हो जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हो रानी की दहाड़ वो भी सुनता है। मैं गुड बाय कहने आई हूँ। कैसी हो तुम पोनिया? मैं सर्दियों के लिए पहाड़ों पर जा रही हूँ, मैं अगले बसंत में वापस आऊँगी। बहुत सुंदर है, क्या है ये? ये तुम्हारे लिए है। ये बहुत मुलायम है। ये रुई की झाड़ी की टहनी है, वहाँ गांव के पास इसके बड़े बड़े खेत हैं। झाड़ी पर पहले एक पीला फूल उगता है जो लाल हो जाता है, फिर इस तरह का गोला बन जाता है जिसे रुई कहते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है, किसी बड़े मुलायम बर्फ की बूंद जैसा है ये। तुमने कभी बर्फ नहीं देखा है ना मोगली? वो सफेद होती है, आसमान से गिरती है, बर्फ जमीन पर पेड़ों पर गिरती है और हर चीज को ढक देती है जैसे कोई जादू हो। ओ, मैं जरूर ये स्नो देखना चाहूँगा, वो जरूर बहुत खूबसूरत होगी। हाँ, जब हम इस पर चलते हैं तो हमारे पंजे जम जाते हैं। मैंने बर्फ के बारे में इंसानों से सीखा है। सही कहा तुमने, तुम इसमें फिसलकर बहुत मजे कर सकते हो। मैं ये स्नो और उसकी जादुई बारिश देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ पोनिया? वो पहाड़ियाँ यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है ना? नहीं नहीं, एक इंसान के बच्चे के लिए ये खतरनाक सफर है। बस थोड़ी देर के लिए, मैं वापस आ जाऊँगा। बल्लू सही कह रहा है, हिमालय जंगल से बहुत दूर है। बाद में जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें ले चलूंगी। अब मुझे जाना चाहिए, मुझे सवेरे सवेरे निकलना है, बहुत दूर जाना है। सफर में मजे करना। जल्दी मिलेंगे पोनिया। नमस्ते, अपने खाने का आनंद ले रहे हैं मालिक? क्या आप अपने इस भूखे दोस्त को भी एक टुकड़ा देंगे? किसने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो मक्खियों के ढेर? और नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, जाकर अपना खाना खुद ढूंढो। कल्लू ने मुझे बताया कि तुम एक गिरगिट भी नहीं पकड़ सके। ये बूढ़ा कौवा बहुत बकवास करता है मालिक, कल मैं आपके लिए कुछ बहुत ही खास लेकर आऊंगा। मैं अपनी जबान देता हूँ। सब जानते हैं तुम्हारी जबान की क्या कीमत है लोमड़ी। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो अपना खाना खुद कमाना सीखो। तुमने अभी तक वो इंसान का बच्चा मुझे नहीं दिया इतने सारे वादे के बावजूद। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं तुम्हें कोई काम के बिना कुछ नहीं खिलाने वाला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नींद नहीं आ रही। कोई परेशानी है? मैं स्नो देखना चाहता हूँ। क्या कहा? पोनी अलविदा कहने आई थी और मैं उसके साथ एक सफर पर जाना चाहता हूँ और पहाड़ों पर फिसलना चाहता हूँ, पर बलू ने कहा कि मैं ऐसे सफर के लिए अभी बहुत छोटा हूँ। कैसी बातें कर रहे हो, तुम बड़े हो गए हो और पहाड़ भी ज्यादा दूर नहीं है। फिर पोनिया भी तुम्हारे साथ ही होगी, उसे भी निकले ज्यादा देर तो हुई नहीं है, तो तुम्हें जल्दी करनी होगी। हाँ, पर बलू को फिक्र होगी, उसे बता कर जाना चाहिए, पर वो मुझे जाने ही नहीं देगा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं खुद जाकर उसे बता सकता हूँ। पता नहीं ऐसा करना ठीक रहेगा या नहीं। उसे इस वक्त जगाकर बेकार परेशान करने की जरूरत नहीं। तुमने मेरी कितनी बार मदद की है, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। पता नहीं मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, तुम पहले ही मुझे कई बार फंसा चुके हो। लेकिन इस बार बात अलग है मोगली, तुम पोनिया के साथ बर्फ देखना चाहते हो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, वादा रहा। मैं बलू को समझा दूंगा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मौके को हाथ से गंवाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। जब मैं छोटा था तब मैंने बर्फ देखी थी और वो बिल्कुल लाजवाब थी। बलू समझ जाएगा, मुझे यकीन है। जब वो छोटा था तब उसने भी बर्फ देखी थी, तुम्हारी तरह। सही कह रहे हो, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, चिंता मत करो, जाओ, जल्दी ही सवेरा हो जाएगा, जाओ। Hey, क्या तुमने मेरी पूंछ पर पैर रखा? किस्मत वाले हो कि मैं अभी भी नींद में हूँ। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाँ।
मालिक मालिक सुनिए, वो छोटा इंसान अकेला है फिलहाल, और मैं आपको दिखा सकता हूँ वो कहाँ पर है। दरअसल ये मेरी चालाकी की वजह से हुआ है। चलो चले, बाकी की कहानी मुझे रास्ते में सुनाना, और उम्मीद है कि कोई बेवजह की भागदौड़ नहीं होगी। है मालिक, वो बर्फ देखना चाहता है पोनिया के साथ पहाड़ों पर, और क्योंकि मैं बहुत चालाक हूँ मैंने उससे कहा कि सुनो इंसान के बच्चे, बलू को तुम मुझ पर छोड़ दो। कितना चालाक हूँ मैं। सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं का। तो ये तुम हो। आज की रात सबको हुआ क्या है? उस लाल पांडा ने सबसे पहले मुझ पर पैर रखा था। पोनिया, कितनी देर पहले और वो किस तरफ गई है? उस तरफ। पर तुम थोड़ी देर आराम कर लो, वो ज्यादा दूर नहीं गई, तुम उसे पकड़ लोगे। एक छोटी सी छपकी ले लो ताकि तुम किसी को परेशान ना कर सको। मुझे सुलाने की कोशिश मत करना, ओके? मेरे पास वक्त नहीं है। मोगली, मोगली, मोगली! उसने मुझ पर यकीन कर लिया जब मैंने उससे कहा कि मैंने बर्फ देखी है। और मैं उस मोटे बालों वाले भालू को तो कुछ नहीं बताने वाला, मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ। वो मेरे जाल में पूरी तरह से फंस गया है। अपना मुंह बंद रखो गाजर के छिलके, तुम बोलते बहुत ज्यादा हो और करते बहुत कम हो। पर नहीं मालिक, ये सच नहीं है। मैंने कहा चुप हो जाओ, वरना हमेशा के लिए तुम्हें चुप कर दूंगा। अगर मैं नहीं होता ना। भागो यहाँ से गंदे कौवे, मालिक और मुझे जरूरी काम निपटाने हैं। वो मैं समझ गया, तुम बहुत बिजी हो, जबकि वो इंसान का बच्चा खुला घूम रहा है। पर अगर तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं फिर। मैंने कहा ना हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बदौलत। चुप हो जाओ बेवकूफ, कल्लू तुमसे कहीं ज्यादा काम आएगा। बोलो मेरे प्यारे दोस्त। ये बिल्कुल सही नहीं है। ये तो बेवकूफ है, वो अपनी ही गुफा में अपनी माँ को भी नहीं ढूंढ सकता। मोगली, मैं उसकी नाक के नीचे था, मैं सोच रहा था वो बकवास बंद भी करेगा कि नहीं। तुमने मोगली को देखा है? ओह, तो तबाकी ने मोगली को पकड़ने की नई तरकीब सोची है ना? नहीं, वो अजीब जगह के बारे में बात कर रहे थे, कह रहे थे कुछ स्नो। स्नो? वो जरूर पोनिया के पीछे गया होगा, जल्दी इससे पहले कि खतरा बढ़ जाए। उस लोमड़ी ने ही शेर खान को ये घटिया आइडिया दिया होगा। शुक्रिया दोस्तों। किसी का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। मैं तुम्हें जीने दूंगा पत्तियां खाने वाली, अगर तुम मुझे बता दो कि वो इंसान का बच्चा कहाँ है। घर पर बलू के साथ। सुनो छोटी मक्खी, अगर तुमने मुझसे एक बार भी झूठ बोला तो मैं तुम्हें जिंदा निकल जाऊंगा। मैं देख रहा हूँ कि ये कौवा बात करने में बहुत उस्ताद है। तुम भले ही उड़ना जानते हो, पर तुम अभी तक उस इंसान के बच्चे को नहीं ढूंढ पाए है ना? मैं जाकर से ढूंढता हूँ शेर खान, वो ज्यादा दूर नहीं होगा। बस बातें ही कर रहे हो। मैं एक भी शब्द और सुनना नहीं चाहता, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम किसी भी काम के नहीं हो। ओह, तुमने मुझे सुला दिया। मैंने कहा था ना मैं जल्दी में हूँ। मोगली, मेरे लिए रुको। बचाओ, बचाओ, बचाओ! तुम यहाँ हो बूढ़े पंछी। लगता है कि बड़ी बिल्ली किसी मुसीबत में है। चले देखते हैं टाइगर को फेंकने में कैसा मजा है। मेरे लिए रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ।
ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए थोड़ा और इंतजार करूंगा। हम सभी वहाँ साथ जाएंगे, मैं वादा करता हूँ। मेरा मतलब जो लोग स्नो देखना चाहते हैं। जल्दी मिलेंगे दोस्तों। मैं इस वक्त इतनी दूर तक अकेला सफर नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारे साथ जरूर जाना चाहूँगा बलू। हाँ, मुझे ये मुलायम बर्फ बहुत पसंद है। देखा मोगली, कुदरत का जादू देखने के लिए तुम्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। ये है जादू।